हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ, जो कि अब मेरे अपने चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 5 मई 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के लिए कंप्लीट मंथ के ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स के और डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फॉलो करें और साथ ही साथ डेली अपडेटेड वीडियो देखें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 10 कमाओ का 31st एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल हेलीकॉप्टर्स फॉर द इंडियन नेवी। द कॉस्ट ऑफ द डील वुड बी अराउंड 3600 करोड़ रुपीज एंड द 10 हेलीकॉप्टर्स वुड बी डिप्लॉयड ऑन द एयरक्राफ्ट कैरिज एंड वारशिप ऑफ द नेवी, इंक्लूडिंग द INS विक्रांत एंड ग्रीग्रो विच क्लास फ्रेटेस। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 10 कामों का 31 एयरबोर्न पूर्व चेतावनी और नियंत्रण हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दे दी है। सौदे की लगभग लागत 3600 करोड़ रुपए होगी और 10 हेलीकॉप्टर INS विक्रांत और ग्री गोरोविच श्रेणी के फ्रिगेट सहित नौसेना के विमान पोत तथा युद्ध पोतों पर तैनात किए जाएंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति की। तो द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हैज हायर्ड संजय उबैल, हेड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन सॉल्यूशंस एट टाटा सन्स, एज इट्स पॉलिसी डायरेक्टर फॉर इंडिया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने टाटा सन्स में बुनियादी संरचना और शहरी समाधान के प्रमुख संजय उबले को भारत के नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, भूषण पाटिल प्रेसिडेंट एट पेटीएम हैज क्विट द कंपनी। पाटिल, हु ज्वाइंड पेटीएम आफ्टर ए 5-year स्टिंट विद अलीबाबा, हैड इनिशियली ज्वाइंड द नोएडा बेस्ड कंपनी टू लुक आफ्टर इट्स क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स बिजनेस। पाटिल ज्वाइंड पेटीएम इन मार्च 2016। पेटीएम के अध्यक्ष भूषण पाटिल ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। अलीबाबा के साथ 5 वर्ष तक कार्य करने के बाद पेटीएम में शामिल होने वाले पाटिल आरंभ ही नोएडा में स्थित इस कंपनी की सीमा पार वाणिज्य व्यवसाय की देखभाल करने लगे थे। पाटिल मार्च 2016 में पेटीएम से जुड़े थे। नेक्स्ट, US एयरफोर्स जनरल टॉड डी वॉल्टर्स हैज बीन स्वॉर्न इन एज द टॉप मिलिट्री ऑफिसर ऑफ द 29 नेशन नाटो मिलिट्री एलियंस। द फॉर्मर पायलट हु हैज सर्व्ड इन अफगानिस्तान एंड इराक बिकम सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप एट नाटोज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स इन मॉन्स साउथर्न बेल्जियम। अमेरिकी वायुसेना के जनरल टॉड डी वॉल्टर्स ने 29 देशों के नाटो सैन्य गठबंधन के प्रमुख सैन्य अधिकारी के रूप में शपथ ली है। पूर्व पायलट जो अफगानिस्तान और इराक में कार्यरत थे, वे यूरोप के दक्षिणी बेल्जियम के मॉन्स में स्थापित नाटो के सैन्य मुख्यालय में सुप्रीम अलाइड कमांडर बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक न्यूज अर्थव्यवस्था समाचार की। तो द एशिया पैसिफिक रीजन एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 5.7% इन 2019 अकॉर्डिंग टू द बैंक्स एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2019 रिपोर्ट रिलीज इन अप्रैल। डेवलपिंग एशिया विच कॉम्प्राइजेज 45 नेशंस रेंजिंग फ्रॉम चाइना टू टुवालू इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाई 5.7% इन 2019। हाउएवर द ग्रोथ आउटलुक फॉर डेवलपिंग एशिया इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू 5.6% इन 2020। 2019 में
एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5.7% की वृद्धि होने की संभावना है। अप्रैल में जारी बैंक की एशियाई विकास आउटलुक 2019 रिपोर्ट के अनुसार विकासशील एशिया जिसमें चीन से लेकर तुवालु तक 45 राष्ट्र शामिल हैं में 2019 में 5.7% बढ़ने का अनुमान है। विकासशील एशिया के लिए ग्रोथ आउटलुक 2020 में मध्यम से 5.6% होने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार की, तो स्पेन एंड बार्सिलोना लीजेंड एवी हर्नांडेज हैज अनाउंस्ड दैट ही विल रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल फुटबॉल एट द एंड ऑफ द करंट सीजन। जेवी हर्नांडेज स्पेंट 14 ईयर इन बार्सिलोना वेयर ही वॉन 35 ट्रॉफीज इंक्लूडिंग 8 ला लीगा टाइटल्स बिफोर मूविंग टू कटरी क्लब एल स्क्वाड। स्पेन और बार्सिलोना के दिग्गज जावी हर्नांडेज ने घोषणा की है कि वह मौजूदा सत्र के अंत में पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेंगे। जावी हर्नांडेज ने बार्सिलोना में 14 साल बिताए जहां उन्होंने कतरी क्लब अल सद में जाने से पहले 8 ला लीगा खिताब सहित 35 ट्रॉफियां जीती। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्ड्यूरीज निधन की, तो पीटर मैव्यू द एक्टर बिहाइंड द कैरेक्टर ऑफ च्यूबाका हैज पास्ड अवे। ही वाज 74 ईयर्स ओल्ड। मैव्यू इज मोस्ट वाइडली नोन फॉर हिज पोर्ट्रेयल ऑफ द मोर देन 200 ईयर ओल्ड वुकी च्यूबाका इन द स्टार वार्स फ्रांसिसिस। मैव्यू वाज आल्सो एन एक्टिविस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। च्यूबाका के चरित्र को निभाने वाले अभिनेता पीटर मैव्यू का निधन हो गया है। वह 74 वर्ष के थे। मैव्यू को व्यापक रूप से स्टार वार्स फ्रेंचाइजी में 200 से अधिक वर्षीय वूकी चेवा बेका के चरित्र के लिए जाना जाता है। मैव्यू एक सक्रिय समाज सेवी भी थे। और बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट न्यूज मिसलेनियस विविध समाचारों की, तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू रिलीज्ड ए पोस्टेज स्टाम्प टू कमेमोरेट द 715th द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री वेदंता देसिकन इन न्यू दिल्ली। द स्टाम्प हैज बीन रिलीज्ड बाय इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में श्री वेदांत देसिका की 750वीं जयंती मनाने के लिए एक डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो के PDF का डाउनलोड करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।